बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में रोड शो करने वाले हैं। 5:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होगा और इसको लेकर दोपहर से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। गर्मी है, धूप बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं लोग कैसे प्रधानमंत्री का मास्क लगाकर चेहरे पर वहां पहुंचे हुए हैं इस रोड शो में शामिल होने के लिए और प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो गाजियाबाद में होने वाला है, जिसके लिए हुजूम लगातार इकट्ठा होते जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले प्रधानमंत्री अजमेर में मौजूद थे, जहां कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठाए, कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में रोड शो करने वाले हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद से बीजेपी ने अतुल गर्ग को टिकट दिया है और यहाँ प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो होने वाला है। उसके पहले जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रत्याशी कोई भी हो, हम प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा हुजूम है, केवल गाजियाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से लोग भी यहां इकट्ठे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका है, पहले दूसरे तीसरे फेज में यहां वोटिंग होनी है और ऐसे में लगातार एक के बाद एक रैलियां की जा रही हैं। मुजफ्फरनगर से लेकर संभल, हाथरस, अमरोहा, सभी जगह पर सहारनपुर लगातार प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो ऐसे में एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ज्यादा से ज्यादा समर्थन दे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल का अहम रोल है। तो ऐसे में इन दोनों ही जगहों पर लोगों तक, जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाना और कैसे केंद्र और राज्य सरकार यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर काम कर रही है, ये कैसे पहुंचाना है। लेकिन इस बीच आप महिलाओं का उत्साह भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जब थोड़ी देर में उनके बीच पहुंचेंगे, उसके पहले ये उत्साह नाच गा रही हैं महिलाएं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खुशी इन लोगों के द्वारा मनाई जा रही है और इसी के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता जुड़ गई हैं। श्वेता, तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही है कि लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन कह क्या रहे हैं इस बार तो प्रत्याशी बदल दिया गया है गाजियाबाद से, क्या लोगों को फर्क पड़ता है इस बात से? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देती हूँ कि देखिए अभी प्रधानमंत्री के आने में वक्त है, लेकिन लोग किस तरीके से जुटना शुरू हो चुके हैं। रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, तो आम आदमी की यहाँ पर भीड़ है। आप समझिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 13 वो लोकसभा सीटें हैं जिसमें एक तरह से कहें गजब प्रभाव डालने की कोशिश इस रोड शो के जरिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। लेकिन यहाँ तैयारियां मैं दिखा रही हूँ, यही मंच है, यही पर आकर के जो रोड शो है वो खत्म होगा और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने अपने तरीके से ये वेलकम करने के लिए नजर आते हैं। जरा मैं सुनाती हूँ, देखिए किस तरह से स्वागत करेंगे, क्योंकि यहीं पर आकर के खत्म होगा। हमारे यहाँ पर गाजियाबाद में मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी के आते ही मैं सिर्फ दो वर्ड बोलूंगा आप लोगों को, आप सब लोग मेरे साथ बोलेगा, आओ मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। अरे एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। चाहूंगी इस बार प्रत्याशी बदल दिया गया है, अतुल गर्ग है इस बार मैदान में, लगता है कुछ चुनौती होगी बीजेपी? चुनौती का तो कोई कंसर्न ही नहीं है यहाँ। अतुल जी पहले जो वीके सिंह जी से, उनको अब उनके उससे भी बहुत ज्यादा पार जाके ये चुनाव जीतेंगे। कम से कम 10 लाख वोटों से ये जीत निश्चित है अतुल जी की। 5 लाख वोटों से जीते थे पिछली बार, वो लगभग 5 लाख से ऊपर में जीते थे, लेकिन अतुल जी की 10 लाख से ऊपर की हमें। अभी आप देखिए ये लोग मान रहे हैं कोई चुनौती नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहें कि बस इस रोड शो के जरिए बड़ा डंका बच जाएगा, आज प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। गाजियाबाद की ऐसी सीट है ये, जन जन की यही पुकार है मोदी सरकार, और इतनी बहुमत से जीतेगी कि पूरी इंडिया में नंबर वन हो गए गाजियाबाद। इस सीट को कोई हराने वाला पैदा नहीं है, सबकी जमानत जब्त होगी। नंबर वन सीट हो जाएगी, नंबर वन सीट होगी ये, सबकी जमानत जब्त करवा रहे हैं। बिल्कुल यूपी में नंबर वन, पूरे यूपी में नंबर वन। मैडम नमस्कार, पहले तो आपके चैनल को, डॉक्टर भारत को, अरविंद गोस्वामी जी को भी, आपको ये 400 पार जाएंगे और गाजियाबाद की सीट उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय हासिल होगी।
की ऐतिहासिक विजय हासिल होगी। मैं कहूंगी जरा एजाज को एक बार दिखा दे जरा तस्वीरें, देखिए आप देख रहे हैं जो सिक्योरिटी है वो और बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर तरफ अगर आप यहाँ देखेंगे तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, उनको सजाया गया है। और यहाँ पर जो ये मंदिर देख रहे हैं आप, यहीं पर आकर के खत्म होगी वो रोड शो जो मालीवाड़ा से शुरू होगा। 800 मीटर का ये रोड शो है और आप ये देखिए कि यहाँ पर आकर के जब ये रोड शो खत्म होगा तो यही वो मंच तैयार किया गया है जहाँ पर स्वागत होगा। और यही वो मंच है जिसके जरिए लोग अपनी भावनाओं को प्रकट यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, जरा बताइए किस तरह से आज इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को आप देखते हैं और कहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी का डंका बजने जा रहा है इस रोड शो के। मैम मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है, बस हमें इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का, क्योंकि हमें पता है हमारा हर बच्चा बच्चा मोदी जी के लिए पूरी तरह से। कैंडिडेट बदल भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी वोट सिर्फ मोदी जी के लिए है, हमारे लिए मोदी जी हैं, क्योंकि इन्होंने जो किया है इस देश के लिए शायद कोई नहीं कर सकता। उन लोगों को ऐसा भी लग रहा है क्योंकि ये जो सीट है ये 7 बार बीजेपी यहाँ से जीती, 5 बार कांग्रेस जीती, तो बीजेपी का एक दबदबा रहा है। 2008 में तो हापुड़ सीट थी, उसके बाद गाजियाबाद बन गई थी, तो क्या ये कॉन्फिडेंस इसलिए? बिल्कुल, इस बार जो गाजियाबाद की सीट है, गाजियाबाद में एक तरफा सीट है, कोई भी ऐसी प्रत्याशी टक्कर में नहीं है। 80 उत्तर प्रदेश में 80 सीटें पूरी भाजपा जीत रही है और मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें एक आहुति का काम गाजियाबाद की सीट करेगी और बहुत बड़े अंतर से विपक्ष में कोई टक्कर में। यहाँ इन लोगों को कोई भी डाउट नहीं है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जब यहाँ पर रोड शो करेंगे तो कैसे 400 पार का वो नारा और ज्यादा प्रबल होगा, वो जो संकल्प बीजेपी ने लिया है वो किस तरीके से पूरा होगा। और यहाँ जो लोग हैं वो उनके मन में सिर्फ एक विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक चल चुका है और आगे भी चलेगा। जी बताइए। हम राहुल गांधी को ये बताना चाहते हैं, राहुल गांधी को ये बताना चाहते हैं कि आप गाजियाबाद धोखे भी नहीं रहने वाला, बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है, हम सब मोदी जी के साथ है। ये युवा बच्चा भी मोदी जी से, मोदी जी को रोड शो क्या, बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, बुजुर्ग भी आ रही हैं और यही वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में बता रही हैं कि ये रोड शो सिर्फ रोड शो नहीं है बल्कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। इजाज आप जरा जाइए तस्वीरें दिखाइए, देखिए आप देख रहे हैं यहाँ जो लोग हैं वो अपने अपने घरों से निकल चुके हैं, वो अपने घरों से निकलकर एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि हम कैसे पल पल मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ हम खड़े रहेंगे। और यही से वो संदेश है जो फिलहाल इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक बड़ी एक तरह से कहीं जीत की वो तैयारी है जो आज इस रोड शो के जरिए देखने को मिल रही है। देखिए बकायदा यहाँ पर जो बैंड बाजा है वो तैयार है, रंगोलियां तैयार है, देखिए जितने लोगों की भीड़ है वो बस अब इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए। ये देखिए किस तरह से फूलों से सजावट की गई है, हर तरफ जहाँ प्रधानमंत्री देखे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बात हो कि कैसे वो इंतजार भले ही लंबा है लेकिन खुशियों के साथ वो इंतजार है। जरा बता दीजिए कौन सी धुन बजाएंगे, ये है क्या धुन, तो बजाइए। यही वो खुशियां हैं, उत्सव जैसा माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर रंगोली बनाई गई है तो कहीं पर इस तरह से जो बैंड है वो नजर आ रहा है कि रोड के दोनों तरफ जो तैयारियां हैं वो कितनी जबरदस्त हैं। एजाज आगे आइए और रोड के दोनों तरफ की जो तैयारियां हैं वो एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को कि जो लोग हैं भले ही ये कहें कि थोड़ा इंतजार हो मोदी जी के आने में लेकिन कैसे वो जुटने लगे हैं और किस तरह से वो बड़ा संदेश दे रहे हैं कि विश्वास अगर किसी में करते हैं तो वो प्रधानमंत्री की बातों में करते हैं।